इधर लोकसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की राजस्थान में स्टार प्रचारक के रूप में मांग आने लगी है। प्रियंका गांधी का देश भर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में क्या वर्चस्व है, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राजस्थान के लोकसभा चुनाव में चाहे अभी तक कैंडिडेट कौन होगा या तय नहीं हुआ हो, लेकिन उनकी सभा करवाने की बात हर लोकसभा क्षेत्र में आने लगी है। दरअसल कांग्रेस बीते लोकसभा चुनाव में राजस्थान की 25 लोकसभा सीटें हार चुकी है और इस बार कांग्रेस सभी 25 सीटें अपने खाते में डालना चाहती है। तो ऐसे में कांग्रेस के नेताओं को जीत की वैतरणी पार करने के लिए राहुल गांधी के साथ ही प्रियंका गांधी का भी चेहरा दिखाई देने लगा है। यही कारण है कि प्रदेश की तमाम 25 सीटों से राहुल गांधी के साथ ही प्रियंका गांधी के दौरों की डिमांड आ गई है। अगर उन्होंने पद लिया है महासचिव का और महासचिव बनी है उत्तर प्रदेश के लिए, लेकिन देश भर से लोग चाहेंगे कि वो आए, सभाओं को संबोधित करें, पहले भी करती आई हैं, लेकिन सिर्फ अपने आप को सीमित रखा था अमेठी रायबरेली तक। अब उत्तर प्रदेश और उसके बाहर भी जहाँ जहाँ वर्कर्स बुलाएंगे वहाँ राहुल गांधी जी वो दोनों जाएंगे। और इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा चुनाव है, सभी सोनिया गांधी जी भी आएंगी, राहुल गांधी जी भी करेंगे, बाकी नेता भी करेंगे। और प्रियंका गांधी जी के आने से अभी तो उन्होंने औपचारिक रूप से अपना पद भी नहीं ग्रहण किया है। इतनी खलबली, इतनी असुरक्षा, इतने असहज हमारे भाजपा के साथी हो गए हैं, नाना प्रकार की बातें कर रहे हैं, अच्छा भला बुरा उनको बोल रहे हैं, अभी तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं। और मुझे कल किसी पत्रकार ने पूछा कि राहुल गांधी जी ने उनको इतना बड़ा पद दिया है, ये तो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है। तो प्रियंका गांधी जी को किसी ने कोई आमदनी का पद दे दिया हो या कोई गवर्नर बना दिया हो या कोई सरकार का कोई पद सौंपा हो, उनको तो सिर्फ समाज सेवा करने के लिए कांग्रेस पार्टी का प्लेटफॉर्म मिला है जनसेवा करने के लिए।